नमस्कार, मेरा नाम है साजेब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। देखिए, उत्तर प्रदेश में डिंपल यादव जब से जीती है तब से मैनपुरी का माहौल काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो गया। जी हाँ, मैनपुरी में रिकॉर्ड तोड़ मत यानी कि मुलायम सिंह यादव पिछले बार 2019 में 96,000 मतों से जीते थे, वहीं डिंपल यादव ने 288,471 वोटों से यहां पर जीत हासिल की है, जो सपा की तरफ से ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ सपा और सपा के नेताओं को बड़ा झटका लगते हुए नज़र आया। यहां देखिए, रामपुर जो सपा की गढ़ सीट मानी जाती थी, उससे विधानसभा चुनाव और लोकसभा तो हार ही गए थे, विधानसभा चुनाव भी जो है यहाँ पर सपा हार गई। आज़म खान जो सपा के फायर ब्रांड नेता माने जाते थे, वो आज़म खान जो है वो यहाँ पर रामपुर में हार गए। ऐसे भी उनकी 9 साल की विधायकी जा चुकी है, मतदान करने का अधिकार छिन चुका है, तो उस जगह पर आसिम रजा को रामपुर से खड़ा किया था सपा ने, जो आज़म खान के ही बेहद करीबी माने जाते हैं, लेकिन रामपुर की जनता ने 34,000 वोटों से हरा दिया। अब जो आज़म खान 10 बार से जीतते हुए आ रहे हैं और जो आज़म खान जेल में थे उस समय भी 1,42,000 मतों से चुनाव जीते थे रामपुर का, वो आज़म खान अगर 34,000 मतों से हार जा रहे हैं तो फिर ज़रूर यहाँ पर दाल में कुछ खा रहा है। और इसी बात को लेकर के देखिए कि उत्तर प्रदेश में सियासत बेहद ज़्यादा गर्म हो चुकी है। इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ से यहाँ पर अखिलेश यादव रामपुर में दोबारा गिनती और चुनाव कराने को लेकर के जो है चर्चा कर सकते हैं। बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि राजा भैया भी इस चर्चा में जो है अखिलेश यादव के साथ शामिल हो सकते हैं। बहरहाल, आपकी इस खबर पर राय क्या है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा और देखते रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।